आज हम बनाएंगे लखनऊ और कानपुर की बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत ही टेस्टी धनिया आलू चाट की रेसिपी। ये चाट खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। सर्दियों के टाइम पे हर घर में ये चाट बनती ही है, जिसे आप हर रोज़ बना के खा सकते हैं, क्योंकि टेस्टी होने के साथ ही बहुत ही हेल्दी होती है। क्योंकि इसको बनाने में ना आपको तेल की ज़रूरत है ना ही गैस की, मात्र 5 मिनट बनने वाली चाट की रेसिपी, तो इसको ट्राई करना तो बनता ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका किचन जोन। धनिया आलू चाट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ली है 100 ग्राम हरी धनिया, जिसको मैंने अच्छे से साफ़ करने के बाद में धो लिया है। यहाँ पे चाट बनाने के लिए हम पत्ती और डंडी दोनों का यूज़ करेंगे, क्योंकि डंडियों में बहुत सारा फ्लेवर होता है, इसको फेंकना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको डाल देंगे मिक्सी के जार में। जार में डालने के बाद में हम डाल देंगे इसमें 2 टुकड़ा अदरक का, साथ में डाल देंगे तीखेपन के लिए 2 हरी मिर्च। अगर आपको तीखा कम पसंद है तो आप हरी मिर्च को कम कर दीजिए, ज़्यादा पसंद है तो और ऐड कर सकते हैं। अब डाल दें इसमें हम 1/2 कप पानी। पानी डालने के बाद में इसको हम बिल्कुल बारीक सा पीस लेंगे। इस पेस्ट को हमें बहुत पतला नहीं करना है, इसलिए बहुत पानी नहीं डालना है, पहले अच्छे से पीस लेते हैं। और यहाँ मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, बिल्कुल फाइन पेस्ट बनके तैयार हो गया है। इसको पीसने के लिए मैंने यहाँ पे केवल 1/2 कप पानी ही लिया था। पेस्ट को बहुत पतला कर देंगे ना टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, पेस्ट को इतना थिक रखेंगे, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब डाल देंगे इसमें हम 3 से 4 उबले हुए आलू, जिसको मैंने इस तरह से क्यूब में छोटा छोटा कट कर लिया है। यहाँ पे चाट बनाने के लिए मैंने नए वाले आलू लिए हैं, इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, तो आप चाहें तो पुराने वाले भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करके नए वाले आलू लें, उनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। साथ में डाल देंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज, साथ में जाएगा इसमें 1 टमाटर बारीक कटा हुआ। अब डाल देंगे इसमें थोड़े से मसाले, यहाँ पे आलू चाट के अंदर पड़ने वाले सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं, जो कि बहुत ही यम्मी टेस्ट देंगे आलू चाट को। अब फटाफट हम इसको मिला देंगे और ये लीजिए हमारी हरी भरी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी, मात्र 5 मिनट में बनने वाली धनिया आलू चाट की रेसिपी। एक बार बनाएंगे ना तो अपने आप को बार बार बनाने से रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि टेस्टी होने के साथ में हेल्दी है, जिसे आप हर रोज़ बना के खा सकते हैं। तो आप चाहें इसको ऐसे खा लीजिए, या आप चाहते हैं स्ट्रीट स्टाइल में, तो इसको हम ऐसे सर्व करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ली है चाट वाली प्लेट, क्योंकि फीलिंग तो ऐसे ही आती है खाने में। इसमें डाल देंगे हम धनिया वाली चाट जो हमने बना के रखी थी। आलू चाट के टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पे ली है अमचूर की खट्टी मीठी चटनी, इसका टेस्ट बहुत अच्छा था इसके साथ में। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए, मैं शेयर कर दूँगी। चटनी डालने के बाद में अब डाल देंगे इसमें फिटी हुई दही। दही डालने के बाद में हम डाल देंगे थोड़े सूखे मसाले, तो मैंने यहाँ पर लिया जीरा पाउडर, थोड़ा चाट मसाला और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर लिया है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। साथ में डाल देंगे क्रंच के लिए थोड़ा सा आलू की भुजिया, ऊपर से डाल देंगे इसमें हम कद्दूकस किया हुआ चुकंदर और मूली, इससे बहुत अच्छा लुक आएगा। और ये हमारी धनिया आलू चाट बनके तैयार हो गई है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, लेकिन टेस्ट ऐसा है कि एक बार बनाएंगे ना तो इसका स्वाद आपकी जुबान से उतर नहीं पाएगा, इतनी यमी बनती है। तो बिना देर करे जाइए अपने किचन में, फटाफट इस चाट को बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। सच मानिए आप बनाएंगे ना, सब आपके घर में फ़ैन होने वाले हैं इसके। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो आई है पसंद, तो वीडियो को लाइक करें, अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ में इस वीडियो को यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह जरूर शेयर करें। चैनल पे नए हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है इसको प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिल जाए। मेरी हर अपडेट को जानने के लिए आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों जगह फॉलो कर सकते हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ फॉलो करिएगा। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक्स टू वॉच प्रियंका किचन जोन।